अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस और टॉपिक है द चेंजिंग अर्थ। कल हमने ये पढ़ा था कि जो अर्थ की चेंज होती है, पहले हमने ये पढ़ा कि जो पहला कंसेप्ट था कि जो ये सारा जो ये लैंड फॉर्म जो है ये एक ही सुपर कंटिनेंट था, फिर एक ब्रेक डाउन हुआ, ये सेवन कंटिनेंट्स में ये डिवाइड हुआ है। तो अब इसमें जो चेंजेस आती हैं, इस अर्थ में जो चेंज आती हैं, वही हम आज पढ़ते हैं द चेंजिंग अर्थ। तो एक चेंज आती है जो वेल्केनोज की ऐसी चेंज आती है। तो इन पास्ट वेल्केनोज वाज नोन एज द माउंटेन फायर। एक्चुअली इट इज नॉट अ माउंटेन, इट इज अ सर्कुलर ओपनिंग। सर्कुलर अगर कोई जो वेल्केनो पहाड़ होता है तो इसको सर्क्यूलर जो ओपनिंग होते हैं, इस पहाड़ के अंदर से जो इसमें जो लावा पकता रहता है वो स्टोन होती है, और जब वो मोल्टन मटेरियल जो इरप्ट होता है अचानक, और इसी ओपनिंग के साथ हम फिगर में देखेंगे, इसी ओपनिंग के साथ ये बाहर निकलता है। तो इसमें जो गैस डस्ट होता है, स्टोन होते हैं, वो अंदर जब वो हीट इनको मिलती है अंदर से, तो वो जमा होता है इस ओपनिंग के नज़दीक जिसको हम वेंट कहते हैं, जहाँ से ये लावा बाहर निकलता है जो वेल्केनो का जब फटता है, तो जहाँ से ऊपर जो होता है ये सर्कुलर माउथ होता है, जब वहाँ से बाहर निकलता है, इस ओपनिंग को हम वेंट कहते हैं। कभी कभी ये वेंट जो होता है ये लॉन्ग क्रेक्स में तब्दील होता है, जिन लॉन्ग क्रेक को हम कहते हैं फिशर, FISSURE, इनको हम फिशर कहते हैं, जो ये लॉन्ग क्रेक्स होते हैं, लॉन्ग क्रेक्स। तो इन क्रेकों के बाहर से कभी कभी वो लावा वो बाहर भी निकलता है इन क्रेक्स से। तो वॉल्केनो कोन और माउंटेन इज फॉर्मड व्हेन द इरप्ट मटेरियल्स एकोमोडेट अराउंड द वेंट। जब इस वेंट के पास ही वो जमा होता है, एकोमोडेट होता है, जो अंदर लावा पकता रहता है, तो वो एक आवाज से बाहर निकलता है। जो एक वेंट है, जो ये ओपनिंग होती है इस पहाड़ की, ये कनेक्ट होती है अंदर जमीन की जो तह है इसके साथ, ये अंदर इसके टच होता है एक नैरो पाइप के साथ, वो फ्यूनल शेप्ड होता है, बिल्कुल खाली हालो होता है, वो टॉप से लेकर अंदर की तरफ जो जमीन के अंदर तक वो इसकी वो पाइप कनेक्ट होती है, एट द टॉप ऑफ द कोन। इसको कहते हैं हम क्रेटर। और अब हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ वेल्केनोज। इसको क्लासिफाई किया गया है थ्री टाइप्स में। पहला है एक्टिव वेल्केनोज, एक्टिव, और दूसरा है डोरमेंट वेल्केनोज, और तीसरी है एक्सटेंट वेल्केनोज। पहला है एक्टिव वेल्केनोज हम कहते हैं उस वेल्केनो को जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होता रहता है और अपने बाहर वो फेंकता है लावा, गैस, एशेस एंड रॉक्स। दीज वेल्केनोज आल्सो कॉल्ड, इनको हम कहते हैं लिविंग वेल्केनोज भी, जो फ्रीक्वेंटली अक्सर बेशतर वो फटते रहते हैं। कोई वेल्केनोज ऐसे होते हैं कि जब भी वहाँ की तरफ देखते हैं तो कुछ न कुछ बाहर धुआं कुछ निकलता रहता है, इनको हम कहते हैं एक्टिव वेल्केनोज। और जो ये ज़्यादा एक्टिव वेल्केनोज हैं, ये इटली में पाए जाते हैं। एक जगह इटली में सिट्रोम बोली और है, और दूसरा है इटना। ये दोनों वेल्केनो हैं, इनको हम एक्टिव वेल्केनोज कहते हैं। और दूसरी जो है वो डोरमेंट वेल्केनो जो होता है, ये जब फटता है तो फिर ये क्विट आफ्टर इरप्टिंग, जब ये फटता है तो फिर ये खामोश रहता है, बहुत उसे तक खामोश जाने के बाद ये फिर फटता है। तो जब फिर फटता है तो फिर
जब इसके ओपनिंग से इसके वेंट्रिक से बाहर जो निकलता है, जो लावा निकलता है, वही गैस निकलता है, लावा निकलता है, एसिड निकलता है, रॉक्स निकलते हैं, तो फिर खामोश रहता है, फिर खामोश होता है। तो इनको इस इन वेलकन को हम डोरमेंट वेलकनस कहते हैं, इनको हम स्लीपिंग वेलकनस भी कहते हैं। जो ये डोरमेंट वेलकनस होते हैं इनको हम स्लीपिंग वेलकनस भी कहते हैं। एक जगह है इटली में ही, एक जगह है वेस्यूवियास, एक जगह इटली में ही वेस्यूवियास इन इटली, वहां पर ये पाए जाते हैं ये डोरमेंट वेलकनो। तो ये हो गए दो, एक्टिव वेलकनो और डोरमेंट वेलकनो। अब तीसरा एक्सटेंट वेलकनो। एक्सटेंट वेलकनो हैव नॉट एरप्टेड फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स ये तक नहीं पड़ता है, सदियों तक ये लावा बाहर नहीं निकलता है इन एक्सटेंट वेलकनोज में। न हमें कोई पॉसिबिलिटी ये मिलती है, इनसे ये हासिल होती है कि कभी नियर फ्यूचर में ये, कभी फ्यूचर में ये वेलकनो इरप्ट होगा, ये भी हमें कभी नहीं दिखाई दे रहा है वेलकनो से। दीज वेलकनो ऑल्सो कॉल्ड डेड वेलकनोज। जो ये एक्सटेंट वेलकनोज है इनको हम कहते हैं डेड वेलकनोज, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें ये नजर नहीं आ रहा कि ये कभी फटेंगे। अगर फटते हैं तो बहुत हंड्रेड ईयर्स आफ्टर ये इरप्ट होते हैं, इनको कहते हैं डेड वेलकनोज। डेड वेलकनोज कहाँ पाए जाते हैं? किलिमंजारो अफ्रीका में एंड रेनियर यूएसए में। इन एक्सटेंट वेलकनोज, डेड वेलकनोज को हम अक्सर पाते हैं। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ वेलकनोज हमने पढ़े, एक्टिव वेलकनोज, डोरमेंट वेलकनोज एंड एक्सटेंट वेलकनोज। अब हम कल पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलकनोज इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।